अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करो दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, मकाम करमा से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनने को आ रही है कि वहाँ पर कुछ ईरानी औरतों ने नऊज़ बिल्लाह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी की है। गुस्ताखी किस तरह की है, मैं सारी तफसीलात आपको आज वीडियो में दूँगा, ठीक है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल बने हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जी तो गाइस, वाकई कुछ इस तरह है कि ईरान से कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे हज अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा में, ठीक है। और मतलब मस्जिद हरम के बिल्कुल सामने, मक्का के सामने बिल्कुल, मतलब यहाँ पे इन्होंने रोडों पे ना बोर्ड लगाए होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में बोर्ड लगे होते हैं कि ये तरीक इसकी मतलब ये रोड इस नाम से, ये रोड इस नाम से है। ऐसे ही हरम के बिल्कुल सामने ना एक रोड है अजीज़िया वाली साइड पर, ठीक है। जब आप अजीज़िया को जाते हैं ना, उस साइड पे आपको रोड मिलता है, उस पर मतलब लिखा हुआ है तरीक, वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। मतलब ऐसे इन्होंने मतलब रोडों पे यहाँ पे ऐसे बोर्ड बना के इन्होंने लगाए होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब के मक्का हरम के बिल्कुल सामने है, ठीक है। ये वाला रोड उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से, ठीक है। वहाँ पर कुछ औरतें मतलब निकली हैं, ईरानी औरतें, ठीक है, जो कि उन्होंने मतलब वहाँ पर लिखा हुआ था तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तरीक, मतलब तरीक यहाँ पे कहते हैं रोड को, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब उनके नाम पर ना इस तरह कुछ भी चीज़ें निकाली हैं, कैंची निकाली है, कोई भी चीज़ वहाँ से निकाली, कंकरी उठाई है, तो वहाँ से उस नाम को मतलब शहीद करने की कोशिश की गई है। मतलब जैसे ही वो हरम पाक से बाहर निकले हैं, सामने ये वाला रोड है, उस पर मतलब लिखा हुआ है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, रोड का नाम है ये वाला। तो मतलब वहाँ पे वो गए हैं। आखिर ये लोग इतनी नफरत करते क्यों, ये भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा, ठीक है। फिर वहाँ पे मतलब कुछ तुर्की लोग थे वहाँ पे आए, उन्होंने ये मामला देखा तो उनके साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहाँ पे आपको पता जब झगड़ा स्टार्ट हो जाए तो आस्ते आस्ते लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी वक्त फिर उन्होंने मतलब पुलिस को बुलाया, ये वाला मामला हुआ, ठीक है। पुलिस उस वक्त वहाँ पर आई है शुरता, तो वो उनको मतलब ले गई। अब उनके साथ मामला होगा क्या, ये भी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि ईरान और इराक में सबसे ज़्यादा शी हैं, बल्कि ईरान और इराक में है सबसे ज़्यादा शी है, ठीक है। वो मुल्क की मतलब शी होगा, ठीक है। और वो अलग और वो नऊज़ बिल्लाह उमर बिन खत्ताब से बुगज़ रखते हैं, मतलब उनको बुरा भला भी कहते हैं। ये आखिर कहते क्यों हैं, उनका मानना ये है कि नऊज़ बिल्लाह फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को उमर बिन खत्ताब ने कत्ल किया था। कुछ रवायात में आता है कि उनको मतलब नऊज़ बिल्लाह मारा भी था फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को, और उनका मतलब बाजू भी तोड़ दिया था। देखिए ये बात उनकी कहने की हम इस बात को मानते नहीं, वो जो बेशक वो जो मर्जी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये मामलात होते, ठीक है, तो आज उनकी कब्र हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना होती। आपको पता है कि रोज़ा मुबारक के पास तीन कब्रें हैं, ठीक है, एक हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, दूसरी एक हज़रत बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की है, और एक कब्र जो है ना वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की है। आप जब भी सलाम करने आते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि उनके नाम भी कायदा वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब सबको अच्छी तरह पता है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा हुक्मरान आज तक दुनिया में नहीं आया, उन जैसा ताकतवर और एक और 22 मरबा मील पर अकेले को हुकूमत करते थे, ठीक है, और उन जैसा ताकतवर आज तक दुनिया में मैंने नहीं देखा, ठीक है। और उनके किस्से भी बहुत ज़्यादा माशरा से मशहूर हैं, ठीक है, उनकी बहादुरी के, ठीक है। तो वो एक ताकतवर और बहादुर हुक्मरान, क्योंकि अकेले 22 मरबा मील पे हुकूमत करते थे, ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों को ज़्यादा जलन होती है, इस वजह से ये ज़्यादा बुगज रखते हैं, ठीक है। इनके बुगज की दोस्तों जो सबसे बड़ी वजह ना वो यही है कि ये इनका मानना है कि नऊज़ बिल्लाह उन्होंने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया, ठीक है। और ये नऊज़ बिल्लाह काफ़िरों से भी ज़्यादा बदतर है, ठीक है, क्योंकि ये आए दिन सहाबा कराम भी भोंगते हैं, ठीक है, हज़रत उमर बिन खत्ताब पर भी भोंकते हैं, ठीक है। सबसे जो बड़ी बात में तो बेन को मुसलमान मानते हैं, क्योंकि ना तो इनकी नमाज हमारे जैसी है, ठीक है, और ना ही इनकी अजान हमारे जैसी है, ठीक है, और ना ही इनका कलमा हमारे जैसा है, ठीक है। और सबसे जो बड़ी बात है ना, ये यहाँ पे आके मक्का मदीना में आके इमाम काबा और मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ती, ठीक है। ये यहाँ पर जमात हो रही हो ना, तो ये बिल्कुल साइड पर बैठे होते हैं, ठीक है, और ये अपनी नमाज भी अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो इनको पुलिस पकड़ के ले गई है, सऊदी पुलिस इनको पकड़ के ले गई है, ठीक है, अब इनके साथ करेगी क्या, ठीक है, यहाँ तो देखो इनका सर कलम होगा, ठीक है, क्योंकि नऊज़ बिल्लाह ने गुस्ताखी की है, दूसरा या इनको कैद होगा, ठीक है, दोनों में से एक काम होंगे,
लेकिन उनके साथ होगा बहुत बुरा। जी तो गाइस ये था हमारा वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक करें लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी पर इस्लामी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको बरबरकत रिसीव होती रहे। इंतजार करना, इंशाल्लाह आपको मिलेगा अपने वीडियो।